तो समझ में आया सर। तुमने 11th में सोल ट्रेडिंग पढ़ा था, राइट है? हाँ ये फाइनल अकाउंट है पार्टनरशिप का। हाँ, 12th में तुमने पार्टनरशिप पढ़ा था, लेकिन एडमिशन था, रिटायरमेंट था, डेट था, फाइनल अकाउंट नहीं था, राइट है? हाँ और तुमको पार्टनरशिप का मीनिंग तो मालूम रहेगा सबको, अभी तुम लोग SY में आ गए हो। व्हाट इज द मीनिंग हाँ ऑफ सर, पार्टनरशिप? कोई डिफाइन करेगा मुझे? पार्टनरशिप फर्म सर, जहाँ पे बहुत सारे पार्टनर्स मिलके मतलब एक बिजनेस चलाते हैं सर, तो उसे पार्टनरशिप फर्म कहते मतलब मिनिमम 2 और मैक्सिमम 100 इतने लोग हैं। होने हाँ चाहिए, राइट है ना? हाँ यस सर। हाँ, फॉर लॉफुल बिजनेस एंड शेयरिंग द प्रॉफिट और लॉस इन एनी रेशियो, ठीक है ना? तो प्रॉफिट तुमको थेरी तो मालूम है कि सर हमको प्रॉफिट शेयरिंग भी दिया रहेगा। देखो यहाँ पे दिया है क्या प्रॉफिट शेयरिंग? 3:2, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सर 3:2 दिया हुआ नहीं दिया है। हाँ दिया है ना? 3:2, 3:2 हाँ दिया है। ठीक है, वापस बताओ ना सर, स्टार्टिंग से। हाँ अच्छा ठीक है। उसका इसमें से कुछ बात गायब हो रही है, हरी घड़ी उसका नेटवर्क इश्यू है क्या? मैंने बोला कि पार्टनरशिप फॉर्म मालूम है क्या होता है? या तो मिनिमम 2 होने चाहिए, राइट ना? मैक्सिमम 100 होना चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग होना सर, रुचिता चाहिए। बोल रही है, उसको आवाज नहीं आ रहा, इसलिए वो बार बार जा रही है अच्छा, आपका। उसका माइक बोला ऑन करने को तो आवाज आएगा। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग और लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लॉफुल बिजनेस, बिजनेस राइट है ना? ये तो उसका मीनिंग हो गया। पार्टनरशिप डीड होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ये लॉ वाली बातें हैं, ठीक है? तो हमको जो अकाउंट्स में सीखना है वो पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट है। और फाइनल अकाउंट तुमको मालूम रहेगा कि पहला कौन सा अकाउंट बनता है? ट्रेडिंग अकाउंट। कौन सा अकाउंट? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट। फिर दूसरा अकाउंट कौन सा है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद बैलेंस शीट, वो सोल बैलेंस ट्रेडिंग शीट। का था, यहाँ पे बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तुमने सीखा था 12th में, याद है क्या? हाँ थोड़ा थोड़ा। सिर्फ एप्रोप्रिएशन और कैपिटल सीखा था, बाकी तीनों भी इधर पढ़ने का है, ठीक है? रुचिता आवाज आ रही है अभी? रुचिता ठीक है, तो बात समझ में आई दैट ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इतना तो समझ में आ गया रहेगा? सर दोनों में डिफरेंस क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस और एप्रोप्रिएशन वाले में? हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस में जो भी बिजनेस का एक्सपेंस होता है और बिजनेस का इनकम होता है उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है ना? नेट प्रॉफिट इधर आएगा, ठीक है? जो भी बिजनेस का एक्सपेंस रहेगा सब डेबिट में जाएगा। उसके बाद जो नेट प्रॉफिट बचेगा सारे एक्सपेंस देने के बाद वो पार्टनर्स में एप्रोप्रिएट होगा, डिवाइड होगा। मतलब जो भी पार्टनर का इंटरनल एक्सपेंस रहेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैनेजर कमीशन, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, फिर जनरल रिजर्व, इंटरेस्ट ऑन लोन। अच्छा ये सब एप्रोप्रिएशन में करेंगे, ठीक है? बात समझ में आई? हाँ सर। उसके बाद जो प्रॉफिट रिमेनिंग बचेगा एप्रोप्रिएशन में उसको जो ओल्ड रेशियो दिया है उसमें डिवाइड करेंगे और कैपिटल में भेजेंगे, ठीक है? फिर कैपिटल को क्लोज करेंगे, फिर कैपिटल आएगा यहाँ पे न्यू कैपिटल, वो बैलेंस शीट में जाएगा ए एंड बी, और जाके बैलेंस शीट टैली हो जाएगा, ठीक है? तो ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एडजस्टमेंट रहेंगे, ठीक है? समझा? सर एक बार स्टार्टिंग से बताओ ना, क्या बताया था आपने?
मैंने बताया कि पार्टनरशिप का मीनिंग तो सबको मालूम है, 11 से 12 से पढ़ते आ रहे हो। मीनिंग क्या होता है? हाँ। टू मैक्सिमम 100 पार्टनर होने चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, डील होना चाहिए, राइट है ना? प्रॉफिट शेयरिंग होना चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग, और लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। ये कंडीशंस होता है, एसेंशियल है उसके। हमको तो उतना मीनिंग और डीड और लॉ तो पढ़ना नहीं है, हमको अकाउंट सॉल्व करना है। तो जो फाइनल अकाउंट बनेगा पार्टनरशिप का, एज ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, तुमने पहले भी सीखा हुआ है ट्रेडिंग अकाउंट, इधर से सेल्स रिटर्न, ठीक है ना, क्लोजिंग स्टॉक, इधर पर ओपनिंग स्टॉक, परचेस, फिर ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, उसके बाद जो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट लिखेंगे इधर, फिर उधर जितना भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा। यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट, सॉरी यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट है, यहाँ पे नेट प्रॉफिट आएगा, नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसके बाद जो भी पार्टनर्स का इंटरनल एक्सपेंस रहेगा वो दे देंगे, जो प्रॉफिट आएगा उसको रेशियो में डिवाइड करेंगे 3:2, कैपिटल में जाएगा, कैपिटल ट्रांसफर टू बैलेंस शीट हो जाएगा और ये टैली हो जाएगा, ठीक है। और अगर सर लॉस आया तो फिर वो सब नहीं देंगे ना एक्सपेंस? कौन सा, जैसे नेट लॉस आया तो जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह नहीं देंगे ना फिर? नहीं देंगे, ठीक है। तो बहुत कम होता है ऐसा, लेकिन आएगा तो ऐसा ही करेंगे, ठीक है। रेडमी कौन है? रेडमी आ गया, देखो शायद प्रीति है। अब हम लोग क्वेश्चन पे आ जाएगा, सीधा क्वेश्चन सॉल्व करो। हाँ ठीक है। ये क्वेश्चन कहाँ से मिला सर आपको? ये मेरे कॉलेज में दिया है। अच्छा, बुक का नहीं है? बुक का ही है। नहीं, बुक का नहीं, कहीं से उठा के लाया। वो पीडीएफ रहेगा, पीडीएफ। तो हम लोग आते हैं सीधा। अभी कोई अगर इसमें से निकलता है तो बोलना मुझे, मुझे समझता नहीं है कौन गया कौन आया। हाँ सर, बोर्ड दिख रहा है पूरा? हाँ सर दिख रहा है। ये हो गया अपना ट्रेडिंग अकाउंट, नीचे प्रॉफिट दिख रहा है इधर, फिर इधर। हेलो सर, सर लोलो आई। हाँ सर, क्या सिखा रहे स्टार्टिंग से सुनाओ। लेकिन बात को तुम लोग बीच बीच में लेकर आते हो, ऑनलाइन तो टाइम सर मुझे पता ही नहीं था। एक तो घर में काम चालू है, तो मैं सिखाता हूँ, मैं आप लेट्स को बनाता हूँ एक बार। कौन सा चैप्टर, कौन सा सिखा रहे हो? पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट मेरा लेक्चर है। कौन सिखा रहे हो? पार्टनर, दो ही पार्टनर ना? हाँ सर। क्या आप दिखाई नहीं दे रहे हो? अच्छा हाँ सर, कहाँ से लेकर आप? नहीं दिखाई दे रहा हूँ मैं। नहीं नहीं, अब दिखा दिखा। हाँ हाँ हाँ, तो दिख नहीं रहा हूँ मैं, क्या बात है। अच्छा, तुमको फॉर्मेट तो याद रहेगा ना, भूल गए? किस चीज का? अभी लाइन से मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ, कुछ आप पढ़ते आ दो। पहला कौन सा है? हाँ सर, सर पहले है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगा बोलते रहना मुझे। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। तो ओपनिंग स्टॉक अमाउंट कितना है? 36,000। नेक्स्ट वाला बोलो। कैपिटल अकाउंट राम का है सर, 1,60,000। राम का है 1,60,000। और कृष्णा का है 80,000। क्या नाम है? फिर सर करंट अकाउंट है डेबिट साइड में सर। करंट भी दिया है क्या? हाँ करंट भी दिया है सर। अच्छा फाइनल अकाउंट बनाना है।
अच्छा और नाम क्या? राम और लक्ष्मण है क्या? राम और कृष्णा है सर। राम राम और राम कृष्णा कृष्णा राम और कृष्णा। कितना दिया है कथा काउंट? 1,60,000 है राम का और कृष्णा का 80,000। और करंट भी दिया है ना? हाँ करंट भी दिया है। कितना दिया है? राम का सर डेबिट साइड में 4,000 और कृष्णा का भी डेबिट साइड में ही है 1,00,000। 1,00,000 हाँ 10,000 सर 1,00,000 दिया है। ठीक है चल कृष्णा पार्टनर्स करेंट अकाउंट मतलब सर 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 राम का क्रेडिट साइड में दिया है। सॉरी सर गलत बोल दिया। 8,000 दिया है। 8,000 ना? हाँ और कृष्णा का 4,000 दिया है। इसका कृष्णा का 4,000 डेबिट साइड में। कृष्णा का 4,000 डेबिट साइड और राम का? राम का क्रेडिट साइड में दिया है 8,000। 8,000 क्रेडिट साइड। इतना समझ में आएगा पोस्टिंग? हाँ सर। ये पार्टनर्स करेंट अकाउंट है, जिधर डेबिट दिया है उधर डेबिट पोस्टिंग कर दो। और एक कैपिटल अकाउंट है, मतलब ये कौन सा मेथड हो गया? ये हो गया सर फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल मेथड, वेरी गुड। अभी आगे बोलते जा सर। परचेजेस दिया है 1,00,000। कहाँ आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। कितना अमाउंट है? 1,00,000। 1,00,000 आगे बोल। सेल्स दिया है 2,08,000। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड ना प्रीति? हाँ। 1,00,000 2,08,000 और बोल लो आगे। सन्ड्री डेटर्स। डेटर्स कहाँ आते हैं रिश्ता? बैलेंस शीट। सन्ड्री डेटर्स 1,73,500। 73,500 अंदर लिखता हूँ मैं क्योंकि इस पे एडजस्टमेंट होता है मालूम तो। हाँ आगे सन्ड्री क्रेडिटर्स 41,800। किधर आएगा तनु? लायबिलिटी। लायबिलिटीज क्रेडिटर्स कितना है? 41,800। वे आगे बिल्स रिसीव सर। बिल्स इसका अमाउंट कितना है सर? सर सुनो तो, मैंने बुक कल से कुछ नहीं लिया, सब पैकिंग हो गया मेरा। क्या लिया? मेरा बुक्स कल से सब पैक हो गया है, मैं शिफ्ट होने वाली हूँ। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं है। बुक कहाँ छोड़ रहे हो? सूटकेस से पैक हो गया। कहाँ जा रही हो? अरे मेरा घर बन रहा है ना, तो फिर 3 महीने के लिए कहीं और शिफ्ट हो रही हूँ। अच्छा ठीक है चलेगा। हाँ। कुछ नहीं है, सब पैक हो गया। अच्छा ठीक है, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, देखते रहना मोबाइल पे। हाँ बोलते जा। और क्या है? बिल से सिर्फ इतना कुछ था। 47,000 47,000 आगे बोलना। बिल्स पेबल 21,000। ए रुचिता धीरे बोल रहे। बिल्स पेबल 21,000। 21,000 वेरी गुड। नेक्स्ट वाला क्या बोलो? कमीशन। कमीशन कमीशन किधर आएगा तनु? पीएनएल प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। ठीक है कितना अमाउंट है? 2,800। 2,800 नेक्स्ट वाला। वेजेस। वेजेस कहाँ आएगा? वो फर्स्ट वाला अकाउंट। अच्छा फर्स्ट वाला अकाउंट। ट्रेडिंग अमाउंट 1,760. Next one. कुछ एडजस्टमेंट है? हाँ नहीं, 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 प्लांट एंड मशीनरी पे 25,000। बाहर लिख दो सर।
प्लांट एंड मशीनरी 63,000।